हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक इन BBVN ऑनलाइन क्लास। आज आपका टेस्ट है कक्षा एक का पाठ चार, जो है हमारे पत्ते ही पत्ते। अब इस चैप्टर में क्या था आपके इस पाठ में कि अलग अलग तरह के पत्ते होते हैं। दीदी है, वो बच्चों को खेलने के लिए लेके जाती है और उनको गोले में बिठाती है, फिर उनको अलग अलग तरीके के पत्ते दिखाती है। कैसे पत्ते छोटे मोटे लंबे गोल बंदरवार जैसे। तो इसमें अब जब आपके वापस एक और टेस्ट होगा तो उसमें आपको मैं पत्ते का चित्र बनाना दूंगी। तो आप पत्ते का चित्र बनाएंगे। पत्ता कौन से कलर का होता है? तो हरे रंग का पत्ता होता है। कोई भी एक पत्ते का चित्र भी आप बनाना सीखेंगे। अभी के पेपर में आप में क्या है कि आपके पीछे प्रश्न थे कि आप कैसे जाते हो। जब मैंने आपको ये चैप्टर समझाया था पाठ में, तो बताया था कि आप मतलब कैसे जाते हो। कोई बस से जाता है, कोई साइकिल से, या कोई गाड़ी से कहीं पर, कोई रेलगाड़ी से। तो अब जैसे जहाँ जाते हो उसका आपको उत्तर वही लिखना है। अब जैसे पहला है हमारा, आप कैसे जाते हो? मैं दादी के घर। अब आप दादी के घर कैसे जाते हो? अगर आपकी दादी किसी दूसरे गाँव में है तो आप किससे जाते हो? रेलगाड़ी से जाते हो, बस से जाते हो, कार से जाते हो, या आपके घर दूर है तो आप ऑटो रिक्शा से जाते हो, पैदल, साइकिल से, या आपके साथ रहती हैं। तो जो आपका है वो उत्तर आप इसमें लिखोगे। आप कैसे जाते हो दादी के घर, तो एक शब्द में आपको इसका उत्तर देना है। जिससे आप जाते हो वो उत्तर लिख देंगे। दूसरा है हमारा सिनेमा देखने। अब आप सिनेमा देखने कैसे जाते हो? अगर आप दूसरे शहर में जाते हो तब कैसे जाओगे? आप अपने ही गाँव में जाते हो जहाँ आप रहते हो, उस शहर में जाते हो तब कैसे जाते हो, या आप नहीं देखते हो? तो जो इसका उत्तर है वो आपको इसमें लिखना है। पाठ में मैंने पूरा आपको अच्छे से समझाया हुआ है। फिर स्कूल। अब आप अपने स्कूल में कैसे जाते हो? बस से जाते हो, पैदल, ऑटो रिक्शा से, या कोई छोड़ने आता है स्कूटी पे? तो जिससे आप जाते हो वो उत्तर आप इसमें लिख दोगे। फिर है हमारा हाट बाज़ार। अब आप हाट बाज़ार हैं, बाज़ार में आप कैसे जाते हो? जिस साधन से आप जाते हो वो आप इसमें लिख देंगे कि हम यहाँ ऐसे जाते हैं। फिर हमारा दूसरा प्रश्न है, अभी देखिए आप, दूसरा प्रश्न है आपका कि गन्ना ज़मीन के ऊपर उगता है और मूली नीचे, सही जगह पर एक एक चित्र और बनाइए तथा उसका नाम लिखिए। अब आपको मैंने जब पाठ समझाया था तब बताया था कि गन्ना है वो ज़मीन के ऊपर उगता है, कि गन्ने का जो पेड़ लगता है, जो अपन गन्ना खाते हैं, गन्ने का जूस पीते हैं, वो हमेशा ज़मीन के ऊपर उगता है। वो मूली है वो ज़मीन के नीचे। ज़मीन के ऊपर और कौन कौन से पेड़ होते हैं आप सबको पता है। देखिए, आम का है, सेब है, टमाटर है, केला भी ज़मीन के ऊपर है, गेहूं, चावल, भिंडी, बहुत से ऐसे पेड़ हैं जो ज़मीन के ऊपर लगते हैं। तो कोई भी एक पेड़ जिसका चित्र आपको यहाँ बनाना है, जो ऊपर लगता है उसका ऊपर और जो नीचे लगता है उसका नीचे, तो आप ऐसे ऊपर लिख के उसका चित्र बना देंगे और जिसका नीचे बनेगा उसका नीचे लिख के उसका चित्र बना देंगे। अब ऊपर में जैसे आप क्या चित्र बनाओगे? टमाटर का बना सकते हो आप, सेब का भी बना सकते हो, आम का भी बना सकते हो। तो एक एक चित्र बनाएंगे आप और उसका नाम भी लिखेंगे। आपको चित्र बनाने का नंबर अलग दिया जाएगा और नाम लिखने का अलग से दिया जाएगा। फिर दूसरा है हमारा मूली। और मूली है वो ज़मीन के नीचे लगती है, मतलब जब मिट्टी होती है उस मिट्टी को खोदते हैं तब उसके जैसे मूली निकलती है ना, वैसे और भी बहुत सी चीज़ें जो ज़मीन के नीचे लगती है। आप स्कूल आते तो पेड़ देखते हो ना, सारे पेड़ जितने वो ज़मीन के ऊपर वाले पेड़ हैं हमारे। घरों में आपके देखिए आप, कुछ पेड़ नीचे, कुछ ज़मीन के नीचे होते हैं, जैसे आलू है वो ज़मीन के नीचे होता है, अदरक है वो भी ज़मीन के नीचे है, फिर प्याज है तो वो भी ज़मीन के नीचे है हमारी, शक्करगंदी होती है, स्वीट पोटैटो जिसको बोलते हैं, वो भी ज़मीन के नीचे ही होती है, हल्दी है वो भी ज़मीन के नीचे। तो कोई भी एक चित्र आप मूली के पास में बना दोगे जो ज़मीन के नीचे लगता है, उसका चित्र बनाओगे आप, उसमें रंग भरोगे और उसका नाम लिखोगे। फिर से बता रही हूँ, नाम लिखने के आपको अलग से नंबर दिए जाएंगे और चित्र बनाने के अलग से, इसमें आपको अंक दिए जाएंगे। तो आप एकदम साफ और सुंदर राइटिंग में करोगे, हिंदी में राइटिंग के नंबर मिलते हैं आपको। यह आप काम आप एकदम अच्छे से करोगे बच्चे, और हिंदी की नोटबुक में करके मुझे पिक सेंड करोगे। थैंक यू।